आज हम फिटनेस क्लब जिम में आए हैं और क्योंकि ड्रग्स का रुझान जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है फिर से किश्तवाड़ में, इसलिए हम चाहते हैं कि जो नौजवान लोग हैं वो अपनी फिटनेस की तरफ आए और हम इनको जो है वो जिम की तरफ जो है वो उनको यहाँ पर ध्यान दिलवाए। फिटनेस क्लब में ये अलियास है और एक बड़े ज़बरदस्त जिमर है, 200 kg से ज़्यादा वज़न उठाते हैं, ये आज़िम है। आज़िम, ड्रग्स का रुझान बढ़ता हुआ पिछले दिनों काफ़ी केसेस और रिपोर्ट हो रहे हैं, जिम के ज़रिए हम उसको ओवरटेक करना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे आप नौजवानों को? हम यही कहेंगे नौजवानों को, किसी भी स्पोर्ट्स में आए, अपना जो फ्री टाइम है अगर उसी टाइम में जिम में आए या रनिंग में आए, एथलेटिक किसी में भी आए तो काफ़ी अच्छा है, तो ड्रग्स से नेचुरली वो दूर हो सके। ये फिटनेस क्लब जो जिम है, फिटनेस कल्चर, वहाँ पर हम हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर इस वक्त एक्सरसाइजेज चल रही हैं और मैं नौजवान लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जिम की तरफ आए, जहाँ मर्जी आए, किश्तवाड़ में काफ़ी जिम है। मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ड्रग से दूर रहे, और पहले भी मैंने एक बार सीरीज शुरू की थी कि हम जिम्स से जो है आपको वीडियोस दिखा रहे थे, पल्स जिम है, फिटनेस कल्चर है, बाकी जो भी है, यहाँ से हमने कोशिश की कि आप लोगों को जो है वो वीडियो दिखाए और जो फिटनेस की तरफ जो है वो नौजवान लड़कों को जो है वो रुजू करवाए और ताकि वो ड्रग से जो है वो दूर रह सके, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी जो नौजवान हैं वो ड्रग्स में जो है वो मुब्तला रहे हैं और किश्तवाड़ में कुछ दिनों से जो है वो अब नए नए जो है वो रिपीट केसेस आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है वो नौजवान लोग जो है वो ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं और लड़कियां भी जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो इसमें मुब्तला हो रहे हैं। जैसे अलियास की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी फिट हैं किश्तवाड़ में, मोमिन के साथ साथ ये भी जो है वो एक अच्छा जो है वो इनका का बॉडी जो है वो फजीक है, हालांकि ये मोटे दिख रहे हैं, काद इनका काम है, लेकिन ये एक बड़े ज़बरदस्त जिमर हैं। इनके साथ अजमल है, महराज है, काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो अच्छे जिमर जो है वो माने जाते हैं, मोमिन डार का जैसे मैंने किया जिक्र, शाबाश, देखिए आज़िम जो है वो काफ़ी हंसते रहते हैं यहाँ पर, चाहिए भी थोड़ी सी एक अच्छी अप्रोच चाहिए, हंसी मजाक का माहौल हो तो मज़ा भी जो है वो आता है। अलियास क्या बोल रहे हैं अलियास? अच्छा देखिए कितना नवी, क्या चू, ये क्या चुका रहा है? बाइसेप्स। अच्छा बाइसेप्स। शाबाश। अच्छा ये बाइसेप्स थे। तो हाँ बाइसेप्स था। आज़िम की भी बॉडी अच्छी है, कभी कभी इसकी नुमाइश करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर इस वक्त हम फिटनेस कल्चर जिम में, यहाँ स्टीमर भी है, आज़िम स्टीमर भी है। अच्छा किस तरह की फैसिलिटीज है हमारे जिम में? आपको स्टीम, सोना और सारा स्ट्रेंथ का, कार्डियो का सब कुछ है। तो कितने चार्जेस वगैरह लेते हो और कब कब अवेलेबिलिटी है स्लॉट? ऐसे जो नॉर्मल है स्टूडेंट के लिए हम 1250 लेते हैं पर मंथ, पर मंथ, और अगर जो पैकेज करता है उसको हम 3 महीने का 3000 लेते हैं स्टूडेंट, और जो अदर्स से उनको हम साल का पैकेज 13000 लेते हैं। मतलब कितनी देर करना जिम जो है मिनिमम करना चाहिए एक शख्स को? एक घंटा नहीं, कितने महीने? मतलब कम कंटिन्यू करना चाहिए, एक तो ये फिटनेस है, इंसान फिट रहे वो तो हमेशा ही फिट रहना चाहिए, ऐसी कोई एज लिमिट नहीं, इसमें कभी भी आ सकता है बंदा। अच्छा तो अभी कितने लोग आते हैं यहाँ पर 24 घंटे में आपके पास? क्योंकि 150 बंदा तो आता ही है। अच्छा 150 बंदा रेगुलर है, चलता रहता है। अभी थोड़ा ठंड थी, अभी 100 के आसपास होंगे, अभी ठंड से मौसम अच्छा होगा तो बढ़ते ही रहते हैं। तो ठंड से जिम में कोई इफेक्ट पड़ता है? थोड़ा सा लोग ठंड की वजह से बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो करना चाहते हैं उनको आते हैं। इतनी बड़ी एग्जांपल है अलियास तो प्रोफेशन से ऑटो चलाते हैं, सुबह से शाम बिजी होते हैं लेकिन फिर भी जिम आते हैं। बिल्कुल आते हैं। हमारे यहाँ महाजन साहब हैं, सुबह से शाम दुकान पर होते हैं लेकिन टाइम निकालते हैं जिम आते हैं फिर भी। वही फिटनेस जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा ये कौन सी एक्सरसाइज चल रही है यहाँ? ये बैक के लिए, बैक के लिए।
कुछ बनाओ नौजवानों को, कुछ मैसेज दोगे नौजवान जितना फिटनेस की तरफ जाए वो बेटर रहेगा, फिट रहेंगे, दूर रहेंगे, फिट रहेंगे, अपनी बॉडी को फिट रहेंगे। मतलब डेक मीन्स ये बेक की एक्सरसाइज है। शाइक साहब भी यहाँ आ रहे हैं, लीगल फर्टिनिटी से सब लोग हैं। हम चाहते हैं कि ड्रग से जो है वो दूर रहे। आप जो NDPS एक्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, उसमें कन्विक्शनें होती हैं, 10-10 साल की सज़ा है, कुछ केसेस में हमने देखा 20 साल भी जो है वो NDPS में सज़ाएं हुई हैं। तो मेरी नौजवानों से अपील है वो ड्रग से दूर रहे, और जो लोग इसका कारोबार करते हैं उनके लिए वार्निंग है कि आप चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो आप बच नहीं सकते हो, आपको जो है वो आखिरकार कानून से जो है वो आपको सज़ा मिलेगी, और जो कुदरत का निज़ाम है उससे भी सज़ा आपको मिलेगी, क्योंकि जो जो ये ड्रग्स है वो इंसान को खोखला करते हैं, और अल्टीमेटली फाइनेंशियली वो ख़त्म होता है, अल्टीमेटली उसकी सेहत ख़त्म होती है, और अल्टीमेटली उसकी मौत होती है, और मौत ऐसी होती है कि जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और फिर क्योंकि आजकल वो दौर है, माँ बाप छोटी फैमिलीज़ है, एक एक बच्चा है माँ बाप को, जब वही नहीं रहता है तो फिर वो घर जो है वो वीरान होते हैं। इधर पर हमने काफ़ी चीज़ें देखी कि जो नौजवान लोग हैं जो मरे उनके घर जो है वो वीरान है, बाप मरा, पहले बेटा मरा फिर बाप मरा, 3 केसेस हमारे किश्तवाड़ में ऐसे जो है वो हमारे सामने आए जहां ड्रग्स की वजह से जो है वो पहले बच्चे मरे फिर उनके पेरेंट्स जो उनके फादर्स हैं वो भी जो है वो मरे, कुछ लोगों ने सुसाइड की ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में, काफ़ी फैक्टर्स हैं। और हमारा सिर्फ यही मकसद है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो नौजवान लोग आए, अपनी एनर्जी जो है वो राइट डायरेक्शन में करें, इसको इस्तेमाल करें। ये फिटनेस कल्चर के जो है वो विजुअल्स आपके सामने, यहाँ पर देखिए कितने नौजवान लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख सकते हो। आजिम कितना वजन है? 30 किलो। कब से आ रहे हैं आप इधर? आपका नाम? सर मोमिन। कब से आ रहे हैं? सर 2-3 महीने हो गए। अच्छा, तो कुछ लगा पहले दिन से आज, क्या फर्क है? जी सर, तो बहुत डिफरेंस दिख रहा है, जिम भी जो है बहुत अच्छी है। तो आजिम सिर्फ हंसते रहते हैं कि कुछ करते भी है, सीरियस भी है क्या? सर सिखाते रहते हैं, साथ में खड़े हैं, कौन सी गेंद कैसे मारना है सिखाते रहते हैं हमें कंटिन्यू। देखिए अफराज भट्ट हमारे साथ यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अफराज कौन सी एक्सरसाइज है? डीबी। इससे क्या होता है? ये बाइसेप्स पीक के लिए होता है। जो आपने ये रिस्ट बांधी है ये क्या है? ये हमारे ब्लड फ्लो को रुकाती है। अच्छा, जिससे हमें पीक ग्रो करने में मदद करती है। कितनी देर करनी पड़ती है ये? कितने? ये 30 रेप्स निकालने होते हैं पहले। अच्छा, 15-15 हो गया, 3 सेट। ये देखिए हर चीज के लिए यहाँ जो है वो मशीनें अवेलेबल है, सब चीजें हैं, आप देख सकते हो। ये शायद लेग्स के लिए है, लेग्स के लिए। क्या मार ये विजुअल्स इस वक्त आपके सामने जो है वो फिटनेस कल्चर जिम के हैं। और मैं फिर बार बार नौजवान लोगों से अपील करता हूँ, आज भी लड़कियाँ भी आती है? हाँ, लड़कियाँ। अच्छा, लड़कियों के लिए भी है। किस तरह की फैसिलिटीज है? 10-2 4
वैसे भी आती है, मेल के टाइम पे भी यहाँ आती है, मतलब 10 से 2, 10 से 2 तो खाली फीमेल्स की टाइम, फीमेल्स लेकिन ऐसे भी आती है मेल्स के टाइम पे भी आती है। अच्छा, अभी लड़कियाँ थी अभी चली गई, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आना चाहे वो आ सकता, कैमरे लगे हर एक कोने में, कैमरे लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं नौजवान लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आइए, फिटनेस का ख्याल रखें, जो पैसा वो ड्रग्स पर बर्बाद कर रहे हैं वो यहाँ पर आकर अपनी फिटनेस पर जो है वो खर्च कीजिए और अपनी सेहत बनाइए, सोसाइटी में नाम बनाइए। हमारे किश्तवाड़ से काफ़ी मेडल्स आए, सूरज ने लाया मेडल, तैयब ने लाया मेडल, कंचन हमारे जो है वो वुशु में जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं, एकेडमी चल रही है यहाँ पर, सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और हम चाहेंगे कि आप जो है इन जिम्स को और यहाँ की फैसिलिटीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।